अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव फिनिश्ड विद द प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो मेरे बच्चों, हम आज के लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं बॉटनी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट फिजियोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी जो है बेटा, ये लंबा चौड़ा टॉपिक है। और इस प्लांट फिजियोलॉजी में हम जो पहला वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, द पार्ट इज कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन। The first part which we are going to discuss in this plant physiology, that is mineral nutrition. Dear students, mineral nutrition kya hota hai? Aapko already thoda sa iska ek ek idea hoga mineral nutrition ke bare mein. So without asking you questions, without wasting further time, let me discuss what actually mineral nutrition is. मेरे बच्चों, आपको पता है कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बचपन से आप ये बात सुनते आए हैं कि प्लांट्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एंड अनलाइक ऑटो हेटेरोट्रॉप्स, ये ऑटोट्रॉप्स जो है ये क्या करते हैं बेटा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये ऑटोट्रॉप जो होते हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अनलाइक हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स जो है ये कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिनरल न्यूट्रिशन अगर आप बुक से देखोगे बहुत डिफिकल्ट आपको लगेगा, बट आई विल डील इट विथ अ वेरी वेरी सिंपल वे। नाउ प्लांट्स जो है ये ऑटोट्रॉप्स है, और ऑटोट्रॉप्स का क्या काम है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कन्वर्ट करते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस बताते हो, इस प्रोसेस को हम बताते हैं फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं, H2O raised power N, if N is equal to 6, they give rise to the formation of a compound that is called as glucose. ठीक है, so inorganic nutrients या inorganic compounds को organic compounds में convert करना, ये autotrophs का काम है। mostly plants जो होते हैं autotrophs होते हैं, लेकिन मसला है बेटा ये inorganic compounds, ये inorganic compounds जो होते हैं या जिनको हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मेरे बच्चों प्लांट्स ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाते कहाँ से है? डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द सॉइल। दीज आर यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द सॉइल, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वाटर, और समटाइम्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एयर। The most important part, the most important aspect of today's lecture, हम बात कर रहे हैं ये inorganic compounds के बारे में। Plants ये inorganic compounds कहाँ से लाते हैं? मेरे बच्चों, plants ये inorganic compounds लाते हैं soil से, water से, air से। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये प्लांट डिराइव करता है सॉइल से, वाटर से, एयर से, दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। नाउ दीज आर एक्वायर्ड मोस्टली फ्रॉम द सॉइल। मोस्टली ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से एक्वायर किए जाते हैं, वाटर से भी एक्वायर किए जाते हैं, और एयर से भी एक्वायर किए जाते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक प्लांट मोस्टली सॉइल से लेता है, उन वाले इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स।
उन वाले न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है मेरे बच्चे मिनरल न्यूट्रिएंट्स। बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, प्लांट इसको डिराइव करता है सॉइल से, वाटर से, एयर से। लेकिन मोस्टली कहाँ से लेता है? मोस्टली एक प्लांट इसको लेता है सॉइल से। सो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर एक्वायर्ड मोस्टली फ्रॉम द सॉइल, दे आर कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। लेकिन जो सॉइल से लिए जाते हैं बेटा, ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से एक प्लांट एक्वायर करता है, मोस्टली दीज आर एब्जॉर्ब्ड एज आयंस। माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली इनको कैसे एक्वायर किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है? दे आर एक्वायर्ड मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस का मतलब है बेटा चार्ज्ड पार्टिकल्स। सो मिनरल न्यूट्रिशन को आप अब कैसे डिफाइन करोगे? हाउ कैन यू डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन? अब इसी फिनोमिनन को मेरे बच्चे, द स्टडी ऑफ, अब याद रखना, द स्टडी ऑफ किसका स्टडी बेटा? द स्टडी ऑफ अपटेक ऑफ, अपटेक मीन्स एब्जॉर्ब करना, द स्टडी ऑफ अपटेक ऑफ दीज, द स्टडी ऑफ अपटेक ऑफ दीज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, द स्टडी ऑफ अपटेक ऑफ दीज मिनरल न्यूट्रिएंट्स, द स्टडी ऑफ अपटेक ऑफ दीज मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ आयंस इज कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन। इसी प्रोसेस या इसी टॉपिक को कहा जाता है मेरे बच्चे मिनरल न्यूट्रिशन। आई होप यू गॉट द डेफिनेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? स्टडी किस चीज का? स्टडी अपटेक ऑफ दिस एक प्लांट सॉइल से मिनरल न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है, इनको अंदर से इस्तेमाल करता है। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन। अब मसला है बेटा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? नो डाउट एक प्लांट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को लेता है सॉइल से, वाटर से, एयर से। लेकिन मोस्टली एक प्लांट जो है, दिस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर एक्वायर्ड मोस्टली फ्रॉम द सॉइल। सो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल से इस्तेमाल किए जाते हैं, वी कॉल देम एज मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आई होप यू गॉट द आइडिया, द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एक्चुअली मिनरल न्यूट्रिशन इज। मेरे बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे, टिल डेट अगर हम कहेंगे मोर देन 60 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन प्लांट्स, मोर देन 60 एलिमेंट्स हैव बीन सो फार रिपोर्टेड इन प्लांट्स। देखा गया मेरे बच्चे, आज तक प्रेजेंट डेट तक बेटा 60 से ज्यादा एलिमेंट्स को देखा गया है, प्लांट्स में रिपोर्ट किया गया है। मोर देन 60 एलिमेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड इन प्लांट्स। क्या ये सारे एलिमेंट्स जो बेटा 60 एलिमेंट प्लांट्स में देखे गए हैं, आउट ऑफ दी 60 एलिमेंट्स ओनली 17 एलिमेंट्स, 60 में से ओनली 17 एलिमेंट्स को कहा गया एसेंशियल एलिमेंट? आउट ऑफ दी 60 एलिमेंट, 17 एलिमेंट्स जो है बेटा, इन 17 एलिमेंट्स को कहा गया एसेंशियल एलिमेंट्स। मोर देन 60 एलिमेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड टिल डेट इन द प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, बट आउट ऑफ दीज 60 एलिमेंट्स ओनली 17 एलिमेंट्स हैव बीन, ओनली 17 एलिमेंट्स हैव बीन कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट्स। तो मेरे बच्चे, अब एक और टर्म आ गई, एसेंशियल एलिमेंट का खिताब किस एलिमेंट को दिया गया? नाउ बात करेंगे बेटा एसेंशियल एलिमेंट की। अगर 60 एलिमेंट प्लांट में देखे गए, तो ये एसेंशियल एलिमेंट कोई स्पेशल एलिमेंट है जिनको खिताब दिया गया एसेंशियल एलिमेंट? तो कौन सा होता है बेटा एसेंशियल एलिमेंट? एक एसेंशियल एलिमेंट वो वाला एलिमेंट होता है इन द एब्सेंस ऑफ विच, अगर ये एक प्लांट में एब्सेंट है तो एक प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज एसेंशियल एलिमेंट।
I repeat, an element is called as essential element, without which a plant is unable to complete its life cycle. अगर कोई भी आउट ऑफ 17 कोई भी एलिमेंट बेटा एब्सेंट है तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा. सो उस टाइप ऑफ एलिमेंट को कहा गया एसेंशियल एलिमेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ डेफिनेशन ऑफ दिस. एन एलिमेंट इज सेड टू बी एसेंशियल. एन एसेंशियल एलिमेंट, एन एसेंशियल एलिमेंट इज वन विदाउट विच, एन एसेंशियल एलिमेंट इज वन विदाउट विच प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल. विदाउट विच ए प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, वो वाला एलिमेंट मेरे बच्चे एसेंशियल एलिमेंट है. तो जो जो एलिमेंट की वजह से या कोई भी एलिमेंट ऐसा एसेंशियल एलिमेंट है, अगर वो एब्सेंट है तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा. नाउ मेरे बच्चे, एसेंशियल एलिमेंट की जब हम बात करेंगे, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल का क्या मतलब है? आपको पता है कि जब एक बेटा एक कोई भी एलिमेंट या सॉरी कोई भी प्लांट जो होता है, जब ये ग्रो करता है, पहले इसके ऊपर लीव्स आ जाते हैं. मैं ऐसे बनाऊं बेटा, पहले इस प्लांट के ऊपर लीव्स आ जाते हैं तो वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट होता है. उसके बाद ये प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है, इसमें फ्लावर होने स्टार्ट होते हैं. फ्लावर की वजह से इस प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होता है फ्रूट, और इस फ्रूट के अंदर मेरे बच्चे प्रेजेंट होता है सीड. इसको बताते हैं कंप्लीट लाइफ साइकिल. लेकिन एसेंशियल एलिमेंट, अगर कोई भी एसेंशियल एलिमेंट एब्सेंट है तो उसकी बेसिस पे क्या हो जाएगा? एक प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा. नाउ एज फार एज दिस एसेंशियल एलिमेंट इज कंसर्न, एसेंशियल एलिमेंट के लिए मेरे बच्चे क्राइटेरिया दिया गया है. नाउ दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी. एक क्राइटेरिया दिया गया है, कोई भी एलिमेंट को आप एसेंशियल नहीं कह सकते तब तक जब तक ना वो इन तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा. सो देयर इज ऑलवेज ए क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी. एक एलिमेंट एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है तो कैसे हम बताएंगे? देयर इज ए क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी. किसने दिया मेरे बच्चे ये क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी? वॉज गिवन बाय आर्नन एंड स्टाउट. दिस क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी वॉज गिवन बाई आर्नन एंड स्टाउट इन 1939. तो एक क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी दिया इन दो साइंटिस्ट ने. इन्होंने क्या कहा बेटा? एन एलिमेंट मस्ट बी फुलफिल थ्री क्राइटेरिया. एक एलिमेंट अगर ये तीन क्राइटेरिया फुलफिल करता है तब जाके वो एक एसेंशियल एलिमेंट है. सो द क्राइटेरिया नंबर वन विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इज दैट ए प्लांट मस्ट नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. एक प्लांट जो होता है, इट मस्ट नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. सो अगर एक एलिमेंट की वजह से टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, एक एलिमेंट के एब्सेंट होने की वजह से एक प्लांट अगर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करता है तो वो बेटा एसेंशियल एलिमेंट है. एक तो हमने बेटा ऑलरेडी डिस्कस किया. दूसरा जो है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज दैट इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड. इसका जो फंक्शन होगा, इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड. इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाई एनी अदर एलिमेंट. मतलब मैं आपको बताऊं बेटा, एनी अदर एलिमेंट, इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई एलिमेंट है, लेट मी डिस्कस फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम. पोटेशियम जो है, इसके फॉर एग्जाम्पल दो फंक्शंस है, F1 एंड F2. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम के दो फंक्शंस है. लेकिन बेटा पोटेशियम की जगह अगर ये दो फंक्शंस जो पोटेशियम करता है, अगर पोटेशियम की जगह ये दो फंक्शंस किसी और एलिमेंट से भी हो सकते हैं, तब जाके पोटेशियम एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है.
हाँ, अगर पोटेशियम जो है बेटा, इसके जो दो फंक्शंस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम से ही दूर हो जाएंगे या पोटेशियम की वजह से ही हो जाएंगे, सो वी कैन से दैट पोटेशियम इज एन एसेंशियल एलिमेंट. सो द सेकेंड पॉइंट इज दैट इट शुड नॉट बी एक एसेंशियल एलिमेंट का फंक्शन कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस नहीं करना चाहिए. द थर्ड पॉइंट इज दैट इट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म. द थर्ड क्राइटेरिया इज दैट इट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म. इट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म. इट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म. मेरे बच्चे, तीन क्राइटेरिया मैंने आपको बताए. एक क्राइटेरिया जो है, द फर्स्ट वन, एक प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करना चाहिए. दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, सेकेंड वन इज दैट इट शुड बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म.